Hello, students. How are you? I hope all of you are fine. I am Divya, lecturer in English at Diet Palwal Krukshetra. I welcome you all in my class. Today, we are going to do lesson 1 Opening Day. This lesson is a poem. The theme of this lesson is Joy and Happiness. प्यारे बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम ओपनिंग डे लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए दैट हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है मैम आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई गो टू स्कूल वेरी गुड सभी खुश होते हो यस मैम ओके नाउ टेल मी व्हाट थिंग्स डू यू कैरी इन योर स्कूल बैग मैम आई कैरी माय नोटबुक्स

रीड करूंगी आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है वैसे ही ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप विद द सन आई एम ऑन माई वे रशिंग टू माई स्कूल इट्स द ओपनिंग डे हॉलीडेज आर ओवर बट आई एम नॉट एट ऑल सैड वुड यू लाइक टू नो वट मेक्स मी सो ग्लैड New shoes, new bag, my uniform is new, new books, new class, a new class teacher too. So everything is new and that's really fine. Yet, what's old and good as gold are the good old friends of mine. So let us start our poem Opening Day. द टाइटल ऑफ द पोएम इज ओपनिंग डे ओपनिंग डे मतलब खुलने का दिन कोई चीज जब खुलती है तो उसे हम बोलते हैं इसका आज ओपनिंग डे है ठीक है ना तो देखते हैं अब किसके ओपनिंग डे के बारे में बात हो रही है यहाँ पर यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्कूल के खुलने की बात हो रही है अब स्कूल कोई पहली बार तो नहीं खुल रहे हैं लेकिन हाँ जो स्कूल खुल रहे हैं वो छुट्टियों के बाद खुल रहे हैं तो छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुलने का पहला दिन है ठीक है तो इसमें देखिए चलो रीड करते हैं अप विद द सन आई एम ऑन माई वे रशिंग टू माई स्कूल इट्स द ओपनिंग डे इसमें आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है बॉय स्कूल की तरफ जा रहा है तो ठीक है तो यहाँ पे आई कौन है यहाँ पे आई है जो बॉय है स्कूल जाता हुआ लड़का है ठीक है तो बोए कहता है अब विद द सन आई एम ऑन माई वे कहता है सूर्य के उदय होने के साथ ही मैं भी उठ गया हूँ और मैं तैयार होकर अपने रास्ते पर जा रहा हूँ कौन से रास्ते पर जा रहा हूँ रशिंग टू माई स्कूल मैं अपने स्कूल की ओर दौड़ता हुआ जा रहा हूँ इट्स अ ओपनिंग डे मैं इतना दौड़ता हुआ क्यों जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे स्कूल का ओपनिंग डे है और क्योंकि मेरे स्कूल छुट्टियों के बाद आज पहली बार खुल रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं दौड़ता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा हूँ पहले बच्चों इस टैंजा में जो आई यूज हुआ है वो बॉय के लिए यूज हुआ है कौन से बॉय के लिए यूज हुआ है वो बॉय जो कि स्कूल जा रहा है हॉलीडेज आर ओवर बट आई एम नॉट एट ऑल सैड वीड यू लाइक टू नो वट मेक्स मी सो ग्लैड बोई कहता है मेरी होलीडेज जो है वो ओवर मतलब खत्म हो गई हैं बट परंतु आई एम नोट एट ऑल सैड एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी एंड सैड मीन्स उदास बोई कहता है मेरी छुट्टियाँ तो खत्म हो गई हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ वीड यू लाइक टू नो क्या आप जानना पसंद करेंगे लाइक like मीन्स पसंद नो no मीन्स जानना वट मेक्स मी सो ग्लैड ग्लैड मीन्स खुश ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे इतना खुश कर रही है तो बॉय कहता है क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना खुश किस कारण हूं कि मैं भागते भागते स्कूल जा रहा हूं क्या आप जानना चाहते हैं तो चलिए फिर जानते हैं तो इन दिस टैंजा द बॉय टेल्स अस्ता रीजन ऑफ हिज हैप्पीनेस इस टैंजा में जो बॉय है वो हमें अपनी खुशी का कारण बताते हुए कहता है न्यू शूज़ न्यू बैग माई यूनिफॉर्म इज न्यू न्यू बुक्स न्यू क्लास अ न्यू क्लास टीचर टू बॉय कहता है मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे जो जूते हैं वो नए हैं मेरा बैग भी नया है मेरी यूनिफॉर्म भी नई है जो यूनिफॉर्म मैंने पहनी हुई है स्कूल वाली वो भी नई है न्यू बुक्स यहाँ तक कि मेरे बैग में जो बुक्स हैं वो भी न्यू हैं न्यू क्लास मेरी क्लास भी न्यू है अ न्यू क्लास टीचर टू और मेरे क्लास के टीचर भी नए हैं सब कुछ नया नया क्यों है बताओगे कोई बच्चा मुझे यस क्योंकि जो बच्चा है वो नई क्लास में हो गया है ठीक है ना और स्कूल जो है वो नए सेशन में खुले हैं तो जब आप भी नई क्लास में होते हो तो आपके पास सब कुछ नया नया होता है ना जूते भी नए होते हैं बैग भी नया होता है यूनिफॉर्म भी न्यू होती है यहाँ तक कि क्लास और क्लास के टीचर भी न्यू होते हैं तो बोए कहता है मैं इन्हीं सब कारणों से बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ स्कूल जाने के लिए क्योंकि आज मेरे पास सब कुछ न्यू न्यू है ठीक है so everything is new and that's really fine yet what's old and good as gold are the good old friends of mine बच्चा कहता है सो so, इसलिए मेरे पास अब सब कुछ नया है एवरी थिंग मीन सब कुछ एंड दैट्स रियली फाइन ये तो बहुत अच्छी बात है रियली really मतलब वास्तव में ये तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है येट वट्स ओल्ड एंड गुड एज गोल्ड आर द गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइंड कहते हैं लेकिन फिर भी जो चीज़ पुरानी है लेकिन सोने की तरह अच्छी है वो क्या है मेरे पुराने दोस्त हैं ऐसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना तो कहते हैं कि कुछ चीज़ें मेरे पास अभी भी पुरानी हैं और वो क्या है मेरे पुराने दोस्त हैं और वो दोस्त मुझे जैसे सोना सबको प्यारा होता है गोल्ड सबको प्यारा लगता है अच्छा लगता है ऐसे ही मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो मेरे लिए गोल्ड के समान प्रीशियस हैं कीमती हैं सोना कीमती होता है ना तो इसीलिए बॉय कहता है जबकि मेरे पास सब कुछ न्यू है सब कुछ नया है लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो अभी भी पुराने हैं और वो मुझे जैसे सोना कीमती होता है उतने ही कीमती मेरे पुराने दोस्त भी हैं डी स्टूडेंट्स लेट्स डू वर्ड मीनिंग्स नाउ आइए हम शब्द अर्थ करते हैं आवर फर्स्ट वर्ड इज ओवर ओवर का मतलब होता है एंडिड या फिर फिनिश्ड भी बोल सकते हो इसका मतलब होता है समाप्त होना कोई चीज जब खत्म हो जाती है फिनिश हो जाती है या एंड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ओवर जैसे कि द मूवी इज ओवर नाउ जो फिल्म है ये खत्म हो गई है समाप्त हो गई इट्स ओवर ठीक है आवर नेक्स्ट वर्ड इज वे वे का मतलब होता है पाथ मींस रास्ता ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज रशिंग रशिंग मींस रनिंग भागते हुए भागते हुए जाते हैं ना हम अपने स्कूल की तरफ सुबह-सुबह दौड़ लगाते हुए जब हम लेट हो रहे होते हैं तो रनिंग करते हुए आते हैं ना फटाफट से तो मींस रशिंग या फिर रनिंग आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैड ग्लैड मींस हैप्पी खुश होना प्रसन्न होना ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज फाइन फाइन मीन्स गुड अच्छा माइन माइन मीन्स बिलोंगिंग टू मी यानी कि मेरा कोई चीज अगर मुझसे बिलोंग करती है इट मीन्स वो मेरी है वो चीज जैसे कि आप बोल सकते हो दिस पेन इज माइन ये पेन मेरा है ठीक है तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है अब इन वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न भी करना है ठीक है और कोशिश कीजिएगा कि इन वर्ड्स को जो इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करें प्यारे बच्चों चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर ठीक है पोयम रीड किया ना हमने अभी तो कोशिश करते हैं जानने की हमें कितनी समझ आई है पोयम और वो कैसे पता लगेगा हमें समझ आई है नहीं जब हम क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे तो इसका मतलब हमें पॉइंट समझ आ गई है ठीक है अब फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रशिंग टू स्कूल हु का मतलब कौन कौन दौड़ता हुआ जा रहा है स्कूल को वेरी गुड द बॉय इज रशिंग टू स्कूल लड़का दौड़ते हुए स्कूल को जा रहा है अब देखिए कितना इजी था इसका आंसर देना आपने सिर्फ हु की जगह पर द बॉय लिखना है बाकी सारा का सारा आंसर आपके क्वेश्चन में से ही है है ना आपको द वो आपको पता ही है दो बॉय तो इसमें कुछ भी आपको लर्न नहीं करना पड़ा सिंपल सा आपको आंसर था द बॉय इज रशिंग टू स्कूल सारा का सारा आंसर आपका क्वेश्चन में से ही निकल आया है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज द बॉय ग्लैड ग्लैड मीन्स हैप्पी वाई मीन्स क्यों बच्चा खुश क्यों है वो जो लड़का है जो स्कूल जा रहा है वो क्यों खुश है इसका आंसर है द बॉय इज ग्लैड देखिए यहीं से उठाएंगे हम क्वेश्चन में से आंसर उठाएंगे द बॉय इज जो है वो द बॉय के बाद आएगा द बॉय इज ग्लैड बच्चा खुश है वाई में हमें रीजन देना होता है और जब हमें रीजन देना होता है ना तो उसके लिए हम लगाते हैं ठीक है जब भी क्वेश्चन में आपको वाई आएगा तो आंसर में हमें बिकॉज लगाना ही पड़ेगा ठीक है तो दोबारा से देखते हैं द बॉय इज ग्लैड बिकॉज बच्चा खुश है क्योंकि री ओपन मीन दोबारा खुलना उसकी छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा से खुले हैं ना तो इसलिए वो खुश है और क्या कारण है खुशी का ही हैज मैनी न्यू थिंग्स उसके पास बहुत सारी नई चीजें भी हैं The boy is glad because his school has reopened and he has many new things. बच्चा खुश है क्योंकि उसके स्कूल पुनः खुल गए हैं और उसके पास बहुत सारी नई चीजें भी हैं। लेट्स डू आवर थर्ड क्वेश्चन वट आर द न्यू थिंग्स द बॉय हैज बॉय के पास कौन कौन सी नई चीजें हैं शाबाश बताइए आपने थर्ड स्टैंडर में इसका आंसर मिलेगा आपको देखिए वेरी गुड शूज वेरी गुड बैग भी नया है अरे वाह आपको तो सारा आंसर आता है तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है इसका आंसर आपने क्वेश्चन में से आंसर निकालने की कोशिश करनी है ठीक है यहां से शुरू करेंगे हम आंसर इसका द बॉय हैज से द बॉय हैज न्यू शूज न्यू बैग न्यू यूनिफॉर्म न्यू बुक्स एंड न्यू क्लास उसके पास नए जूते हैं नया बैग है नई यूनिफॉर्म है नई किताबें हैं और नई क्लास है हिज क्लास टीचर इज ऑल्सो न्यू यहाँ तक कि उसके क्लास के टीचर भी नए हैं ठीक है ठीके? क्लियर है सब बच्चों को ये क्वेश्चन कोई इस आंसर में कोई डाउट हो किसी को सबको समझ आ गया अगला क्वेश्चन करें ठीक है अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम इस पोएम में गुड एज गोल्ड किसे कहा गया है सोने की तरह अच्छा और सोने की तरह प्रीशियस कीमती किसे कहा गया है यस हिज ओल्ड फ्रेंड आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम हु के लिए आपको पता जब भी हु में आएगा आंसर तो आपको नाम ही तो बताना है तो कौन है उसके लिए गुड एज गोल्ड His old friends. बस आपको इतना लिखना है अपनी तरफ से हिज ओल्ड फ्रेंड्स बाकी सारा आंसर आपके क्वेश्चन में से है ठीक है तो आंसर क्या बना इसका गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम उसके किसके लड़के के कौन सा लड़का जो स्कूल जा रहा है वो कहता है ना वट्स ओल्ड एंड गुड एज गोल्ड आर द गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइंड है ना तो उसके जो पुराने मित्र हैं पुराने फ्रेंड्स हैं वो उसको सोने की तरह प्यारे हैं जितना सोना प्रीशियस होता है जितना सोना कीमती होता है उसी तरह से हमारे पुराने मित्र भी हमारे लिए उतने ही प्रीशियस मीन्स कीमती होते हैं आपके भी तो पुराने फ्रेंड्स हैं ना ऐसा तो नहीं होता कि आप नई क्लास में हो जाओ तो अपने फ्रेंड्स को छोड़ देते हो फ्रेंड्स तो वही रहते हैं है ना और इसलिए तो ऐसा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड है ना तो बोई भी कहता है, गोल्ड इन दिस पोएम ठीक है बच्चों तो ये थे क्वेश्चन आंसर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखना है और इनको लर्न करना है ठीक है तो क्वेश्चन आंसर करने के बाद बच्चों अब हम करते हैं आवर नेक्स्ट एक्टिविटी ठीक है दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी ठीक है आपका शब्द कोश इंप्रूव होगा इससे आपकी डिक्शनरी इंप्रूव होगी ठीक है तो इसमें आपने क्या करना है आपको ज्वाइन द ग्रुप ऑफ लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स आपको एक तरफ आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए होंगे आपने उनको ज्वाइन करना है और नए वर्ड्स बनाने हैं ठीक है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी को कैसे करना है तो देखिए बच्चों एक तरफ आपको कुछ ये लेटर्स गिवन है जैसे कि सी एल बी आर टी एल एस टी टी आर टी एच सी एच डब्ल्यू एच है ना और दूसरी तरफ भी कुछ लेटर्स दिए हुए हैं जैसे कि ए पी आई एन जी ए वाई आई पी यू सी के ए टी एट ई एन आई सी के और ई आर ई ठीक है अब आपने क्या करना है बच्चों आपने देखना है कि जो इस आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लेटर्स हैं उनको राइट हैंड साइड वाले लेटर से मिलाना है लेकिन कैसे मिलाना है इस तरीके से मिलाना है कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए ठीक है जैसे कि आप देखे सी एल को मिलाएंगे किससे देखो सी एल ए पी अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है सी एल ए पी क्लैप तो बन गया ना हमारा एक वर्ड क्लैप अच्छा अब सी एल को हम आई एन जी से मिलाएंगे तो क्या बनता है क्लिंग ये भी हमारा वर्ड होता है क्लिंग अब देखें सी एल ए वाई बनते हैं आपस में क्ले क्ले से खेलते हैं ना हम लोग नेक्स्ट देखे सी एल को आई पे आई पी से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा क्लिप ये भी ठीक बन गया सी एल यू सी के क्लक तो कोई वर्ड नहीं होता तो ये नहीं बनेगा सी एल ए टी क्लैट क्लैट भी कोई वर्ड नहीं होता तो ये भी नहीं बनेगा अब सी एल ई एन क्लैन भी कोई वर्ड नहीं होता अब उसके बाद है सी एल आई सी के क्लिक क्लिक होता है जैसे बटन को क्लिक करते हैं ना क्लिक बन जाएगा आपका वर्ड एंड सी एल ई आर ई कोई वर्ड नहीं होता ठीक है तो ये आपके सी एल से वर्ड बने इसी तरह से अब हमारा अगला वर्ड है बी आर अब देखो बी आर को किससे बनाओगे सबसे मैच करके देखना है बी आर ए पी ब्रैप कोई वर्ड नहीं होता बी आर आई एन जी क्या बन गया ये ब्रिंग ब्रिंग तो वर्ड होता ही होता है है ना बी आर को ए वाई से मिलाओगे तो भी कोई वर्ड नहीं बनेगा ब्रिप भी नहीं बनता ब्रक भी नहीं बनेगा बी आर ए टी भी कोई वर्ड नहीं होता बी आर ई एन भी नहीं होगा तो बी आर से और नहीं बनते तो बी आर से एक ही बना वो था हमारा बी आर प्लस आई एन जी ब्रिंग ठीक है ऐसे अगला वर्ड जो है पी एल पी एल से क्या बनेगा पीएल ए पी एल, कोई वर्ड नहीं बनता आई एन जी से भी नहीं बनेगा यस पी एल ए वाई प्ले प्ले होता है ना खेलना ठीक है अब आगे बनता है पीएल से प्लक पी एल प्लस यू सी के तो क्या बन गया प्लक और पीएल से कोई और वर्ड नहीं बनता तो नेक्स्ट मूव करते हैं एस टी अच्छा इसमें बनेगा एस स्ट टी से स्टक बनेगा एस स्ट, टी सी के स्टक बन गया ठीक है और क्या बनेगा एस टी से एस टी ऊपर देखें तो ए वाई स्टे स्टे का मतलब होता है ठहरना आगे एस टी से बनेगा एस टी ए, ए स्ट, और कुछ नहीं बनेगा ए आर नहीं है स्टार नहीं बनेगा ठीक है तो एस टी से दो ही वर्ड बने हमारे एक तो बना स्टक और एक बना स्टे ठीक है अगला वर्ड है हमारा टी आर पी ट्रैप भी होता है ट्रैप का मतलब तो जाल में फसाना देन ट्रे ट्रे भी बनेगा ट्रिप भी बनता है और ट्रक भी बनता है ठीक है अगला है हमारा टी एच।, एच से क्या बनेगा टी एच आई एन जी थिंग टी एच ए टी दैट टी एच ई एन देन ठीक है तो ऐसे और भी वर्ड्स बन सकते हैं तो आपने खुद से कोशिश करनी है वर्ड्स बनाने की ठीक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप इसको अपनी बुक में करना लेकिन पेंसिल से करनी है ठीक है और पेंसिल से करने के बाद अपनी टीचर को चेक भी करवाना ताकि कोई गलती हो तो वो आपको करेक्ट कर देंगे ठीक है बेटा डियर स्टूडेंट्स लेट्स डू एंटनम्स नाउ एंटनम मीन अपोजिट वर्ड ठीक है विपरीत आर्तक शब्द जिसे बोलते हैं हिंदी में करते हैं ना तो हम विपरीत आर्तक शब्द तो इंग्लिश में उन्हें हम अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं मीन्स आपको एक वर्ड दिया हुआ है आपने उसका अपोजिट मीनिंग बताना है ठीक है जैसे कि हमारे पास बुक में पहला वर्ड है अप का अपोजिट क्या होगा डाउन आपका मतलब होता है ऊपर एंड डाउन का मतलब होता है नीचे तो आपका अपोजिट क्या हुआ डाउन ओपन ओपन का मतलब क्या होता है खुला तो उसका अपोजिट क्या होगा ओपन का क्लोज क्लोज का मतलब होता है बंद देन डे डे का मतलब क्या होता है दिन और दिन का उल्टा क्या होगा रात होगी ना तो नाइट सैड सैड मीन्स उदास और इसका अपोजिट क्या होगा ग्लैड आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में आपका लास्ट वर्ड था ग्लैड है ना लाइक लाइक का मतलब है पसंद करना लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा Dislike. ना पसंद ग्लैड तो ग्लैड का अपोजिट वहां पे देखो सैड का अपोजिट था ग्लैड और ग्लैड ग्लैड uh, का अपोजिट हो गया सैड ठीक है न्यू न्यू मींस नया एंड न्यू का अपोजिट हो गया ओल्ड पुराना गुड गुड मीन्स अच्छा इसका अपोजिट हो गया बैड बुरा फ्रेंड फ्रेंड मतलब दोस्त इसका अपोजिट होगा एनिमी ई एन ई एम वाई एनिमी मीन्स दुश्मन नेक्स्ट टोल टोल का मतलब क्या होता है लंबा उसका अपोजिट क्या होगा शोर्ट शोर्ट मीन्स छोटा तो ये थे बेटा आपके अपोजिट वर्ड्स ठीक है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सारे के सारे अप टाउन open close day night sad glad like dislike glad sad new old good bad friend enemy tall short ठीक है तो आपने इन अपोजिट वर्ड्स को लर्न करना है ठीक है बच्चों डियर स्टूडेंट्स लेट्स do आवर नेक्स्ट एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स with करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें ऑप्शन में दो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दी हुई हैं उन दोनों में से जो करेक्ट है उसको हमने ब्लैंक में भरना है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ ये जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं ये सिंपल टेंस की होंगी ठीक है और सिंपल टेंस का जो यूज होता है वो आपकी डेली हैबिट्स को दिखाने के लिए होता है कोई आपकी प्रेजेंट की डेली हैबिट्स हैं मतलब जो काम आप प्रेजेंट में रूटीन में करते हो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं ठीक है इस टेंस में क्या होता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ठीक है और इसमें हम कभी कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी जोड़ देते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म है गो और कभी कभी तो हम गो को गो ही लिखते हैं और हम कभी गो को गोज बना देते हैं ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस हैं अब गो कब लगता है और गोज कब लगता है मतलब फर्स्ट फॉर्म अकेले कब लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरियस कब लगता है जब भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ तो, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस -E जोड़ देते हैं और जब आपका सेंटेंस शुरू होता है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ओर एस नहीं जुड़ता फर्स्ट फॉर्म की अकेले फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें कैसे करना है हमें इन सेंटेंसेस को तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है I always dash religious books. मैं हमेशा रिलीजियस बुक्स रीड या रीड्स तो अब आपने देखना है इसमें रीड आएगा या रीड्स आएगा इसमें आएगा रीड I always read religious books. अब आप पूछो कि मैंने रीड क्यों लगाया रीड्स क्यों नहीं लगाया तो प्यारे बच्चों जब भी आपका सेंटेंस I से शुरू होगा या फिर who से शुरू होगा या फिर यू से शुरू होगा या फिर दे से शुरू होगा तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही प्लेन आएगी ठीक है तो इसका आंसर होगा आई ऑलवेज रीड रिलीजियस बुक्स ठीक है अगर मैं कहती यू ऑलवेज तो भी क्या आता रीड ही आता तो भी रीड्स नहीं आता ठीक है यू ऑलवेज रीड रिलीजियस बुक्स आई ऑलवेज रीड रिलीजियस बुक्स ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस माई फ्रेंड ऑफ एन डैश टू सिनेमा ऑन संडे मेरी फ्रेंड संडे को सिनेमा देखने जाती है ठीक है अब यहां पे गो आएगा या गोज आएगा यहाँ पे आएगा गोज क्योंकि जो आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है वो हो रहा है माई फ्रेंड से और जो माई फ्रेंड है वो सिंगुलर नाउन है एक वचन है ठीक है एक वचन जब भी होता है सेंटेंस शुरू आपका एक वचन से शुरू होता है तो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं ठीक है तो गो है ओ पे खत्म हो रहा है तो हम यहाँ पे ई एस लगाएंगे तो आंसर बन जाएगा इसका माई फ्रेंड ओपन गोज टू सिनेमा ऑन संडे ठीक है नेक्स्ट राम ऑलवेज गेट्स अ पर्ली इन द मॉर्निंग राम हमेशा सुबह जल्दी उठता है गेट्स अप गेट्स क्यों लगाया यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो राम से शुरू हो रहा है और राम जो है वो सिंगुलर नाउन है जब भी सिंगुलर नाउन होता है मैंने आपको बताया था ना वहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस -E लगाते हैं नेक्स्ट फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है दे नेवर डैश फॉर द बस हरी या फिर हरीज हरी मतलब जल्दबाजी करना जल्दी करना तो हरी और हरीज वाई को काट के आई ई एस बन गया तो हरीज बन गया तो इसमें दे है दे के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है एस एस नहीं लगता वर्ब के साथ ठीक है तो इसका आंसर होगा दे नेवर हरी फॉर द बस तो प्यारे बच्चों ये थे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स ठीक है आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस ठीक है अब आपने क्या करना है आपको सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं आपने उनको नेगेटिव बनाना है नेगेटिव का मतलब नहीं ठीक है जिन सेंटेंस में नहीं लग जाता है ना तो वो नेगेटिव बन जाते हैं ठीक है तो देखते हैं कैसे करने हैं ये सेंटेंसेस तो प्यारे बच्चों हमारा पहला सेंटेंस है माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता प्रिपेयरिंग मतलब बना रही हैं इज मतलब हैं मतलब अब प्रेजेंट में वो बना रही हैं अभी वो काम कर रही हैं ब्रेकफास्ट बनाने का तो आपने इसको नेगेटिव बनाना है नेगेटिव कैसे बनाओगे हम इसमें नोट ऐड कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा लेकिन हमें नोट ऐड करना कहाँ पर है ठीक है तो हमारा जो नोट ऐड होगा वो इज के बाद होगा ठीक है बच्चों तो इसका आंसर बनेगा माई मदर इज नोट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ठीक है तो नोट लगा देने से हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन गया ठीक है चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यू आर माई फ्रेंड तुम मेरे फ्रेंड हो इसका नेगेटिव क्या बनेगा यू आर नोट माई फ्रेंड अब यहां पे भी नोट कहां लगा आर के बाद लगा तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो ठीक है अब थर्ड सेंटेंस डिफरेंट है देखते हैं शी अ लेटर वो एक लेटर लिखती है वो पत्र लिखती है अब देखो यहां पे जो वर्ब है वो क्या है राइट्स। राइट्स है ना? क्योंकि एक्शन, में ही आपके जो वर्ब में एक्शन का पता चलता है ना तो क्या एक्शन कर रही है लिखने का अब बच्चों जब हमारी वर्ब के साथ एसओर लगा हो ना तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें वहां पे डू या डज लगाना पड़ता है ठीक है और राइट्स है क्योंकि राइट के बाद एस या ई एस लगा हुआ है तो हमारा यहाँ पे डज लगेगा तो इसका आंसर बनेगा शी डज नोट राइट अ लेटर ठीक है आई समझ में बात राइट्स है एस लगा हुआ है तो उस एस को हटा के हम डज बना देंगे आंसर में और साथ में क्या लगा देंगे हम नोट लगा देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा शी डज नोट राइट अ लेटर ठीक है आया समझ अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर हेल्प मी इन माई होमवर्क मेरा ब्रदर होमवर्क करने में मेरी हेल्प करता है ठीक है तो इसका आंसर क्या बनेगा देखो हेल्प इसमें जो हेल्प है वो वर्ब है एक्शन वर्ड है ना हेल्प करना किसी की सहायता करना एक्शन वर्ड है तो एक्शन वर्ड के एस लगा हुआ है और मैंने आपको अभी बताया था जब वर्ब के साथ एक्शन वर्ड के साथ एस लगा हो और हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम क्या ऐड करेंगे आंसर में अपने डज नोट क्या लगाएंगे डज नोट तो इसका आंसर बनेगा माई ब्रदर डज नोट और जो हेल्प्स वाला एस है वो अब हट जाएगा क्योंकि वो एस डज में आ गया है माई ब्रदर डज नोट हेल्प मी इन माई होमवर्क अब देखो क्वेश्चन में हेल्प था ना लेकिन आंसर में हेल्प है क्यों है क्योंकि जो क्वेश्चन में हेल्प्स वाला एस था वो आंसर में डज के साथ लग गया है ठीक है ना डज कैसे बनता है डू प्लस ई एस तो क्या बन जाता है डज बन जाता है तो वो जो एक्शन वर्ड वाला जो एस था वो हमारा आंसर में डज में आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग अब देखो इसमें एक्शन वर्ड ढूंढो सबसे पहले तो एक्शन वर्ड क्या है यहां पर गो गो है ना गो का मतलब जाना अब चेक करो कि क्या एक्शन वर्ड के साथ एस ओ एस लगा हुआ है नहीं लगा हुआ ना जब एक्शन वर्ड के साथ एस ओ एस ना लगा हो तो आंसर में हम क्या ऐड करते हैं डू नोट नेगेटिव बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे हम डू नोट तो इसका आंसर बनेगा आई डू नोट गो फॉर अ walk एवरी मॉर्निंग मैं रोज सुबह सैर करने नहीं जाता ठीक है तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन ये आपने खुद से करना है मैं पढ़ देती हूँ उस क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर वर्क हम अपना काम शुरू करने के लिए तैयार हैं और मैं आपको ये बता देती हिंट दे देती हूँ कि जो ये जो क्वेश्चन है आपका सिक्स वाला ये आपके सेकेंड क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है ठीक है तो आपका जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा था ना वैसे इसका आंसर बनेगा तो आपने इसका आंसर खुद से लिखना है और अपनी मैम को चेक करवाना है ठीक है तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी पोएम ओपनिंग डे और इससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज ठीक है अब आपने क्या करना है इन एक्सरसाइजेस को जितनी भी हमने की हैं अपनी बुक में करने की कोशिश करनी है ठीक खुद से लिखना इनके आंसर और फिर अपनी मैम को चेक कराना थैंक यू